ये लीजिए हमारी भिंडी की सब्जी बनके रेडी है। जब हो रही हो आपको देर और समझ में ना आए कि आप क्या बनाएं, तब बनाइए ये टेम्परिंग से मसाला भिंडी। 10 मिनट में बनके आपकी रेडी हो जाएगी और सबको बहुत ही अच्छी लगेगी। इसको आप टिफिन में ले जाइए, बच्चों को टिफिन में दीजिए या ऐसे ही खाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुनमुन की रसोई। आज हम मुनमुन की रसोई में बनाने जा रहे हैं, मसाला भिंडी। मसाला भिंडी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 kg भिंडी, और भिंडी को मैंने ये देखिए इस तरह से कट कर लिया है, और 2 प्याज ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, 3 मिर्च हैं और 9 लहसुन की कलियाँ हैं। तो चलिए आइए मसाला भिंडी बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने पैन को पहले ही चढ़ा दिया था, अब इसमें डालेंगे हम मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, और अच्छा गरम हो जाने देंगे इसको भी। ये सब्जी सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है। और हम यहाँ प्याज को रफली कट कर लेते हैं, ये देखिए बस फटाफट से कट कर लेंगे सारे ऑनियंस। ये देखिए ऑनियंस हमने सारे कट कर लिए हैं। ये जो लहसुन है इसको हम कट नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, बस दबा देंगे इसको ऐसे। ये देखिए इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ना इसको पीसना है हमें और ना कुछ करना है, बस ऐसे ही हमें इसको क्रश कर लेना है। और ये देखिए मस्टर्ड ऑयल कितने अच्छे से अब गर्म हो गया है। अब इसमें हम 1/2 tablespoon अजवाइन और 2 चुटकी हींग मैंने लिया है उसको डाल देंगे, और लहसुन की कलियाँ। और आप इसको फ्राई पैन में ही बनाएं, या तो इस तरह की आपके पास अगर चौड़ी कढ़ाई हो तो उसमें आप इसको बनाएं, बहुत अच्छी बनती है। इसी चिली अपनी भी डाल देंगे इसमें, बस भिंडी और ऑनियंस को एक साथ डाल देंगे। जी हाँ गाइस, एक साथ डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे, और इसको लमसम अप 10 मिनट के लिए ऐसे ही कुक कर लेंगे। थोड़ा इसको श्रिंक हो जाने देंगे, थोड़ी थोड़ी देर पे इसको हम मिक्स करते रहेंगे और कुक कर लेंगे। और इसको देखिए कुक होने में लमसम 15 मिनट का समय लगा, और फ्लेम को इस वक्त हम कर देंगे एकदम लो। और आइए अब इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। पहले हम नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है धनिया पाउडर से। 2 पिंच इतनी हल्दी पाउडर, 2 पिंच इतना रेड चिली पाउडर। यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 tablespoon रेड चिली फ्लेक्स, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज आप इसके भी कर सकते हैं। 1 tablespoon आमचूर पाउडर, 1/2 tablespoon सब्जी मसाला। आपके पास अगर सब्जी मसाला ना हो तो यहाँ पे आप गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। और इसको हम कर देंगे मिक्स। और ये देखिए मसालों को डालते ही कितना अच्छा कलर आ चुका है, ये देखिए। बस मीडियम ही फ्लेम रहेगा इस वक्त, इसको अच्छे से सौटे कर देंगे बस देर के लिए, जिससे ये मसाले इसमें अच्छे से कोट हो जाएं। और ये देखिए, और ये लीजिए सब्जी हमारी बन के रेडी है। गैस की फ्लेम को करेंगे ऑफ और करते हैं सर्व। चलिए अब भिंडी की सब्जी निकाल लेते हैं इसी में। वाओ गाइस, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी भिंडी की सब्जी हमारी बनके रेडी हुई है। और आप इसको खाइए पूड़ी पराठे के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हमारी ये टेम्परिंग सी भिंडी की सब्जी बनके रेडी है। देख सकते हैं आप क्या लुक आया है, कितना प्यारा कलर आया है, और इसको बनने में
लमसम 10 मिनट का समय लगा है।